नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे काव्य प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, यानी काव्य के उद्देश्य क्या है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, काव्य से तात्पर्य क्या है? कवि का कर्म ही काव्य है। विद्वान ये मानते हैं कि जो कवि है वो वह व्यक्ति है जो शब्द करता है, बोलता है या कलरव करता है, तथा जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। अर्थात कवि का दृष्टिकोण व्यापक है, और संसार में अगर देखें तो कवि प्रत्येक विषय, प्रत्येक परिस्थिति के बारे में कल्पना कर सकता है। तो वही उसका कर्म ही क्या है, उस काव्य है। उसके बाद बात करें प्रयोजन का अर्थ। तो प्रयोजन का अर्थ क्या है? उद्देश्य, यानी जो काव्य लिखा जा रहा है या जो कविता लिखी जा रही है उसके पीछे कवि का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी रचना उद्देश्य विहीन नहीं होती। तो कोई काव्य किस उद्देश्य से लिखा गया है यह ग्रंथकार ग्रंथारंभ में ही बता देता है, जिससे पाठक में रुचि जागृत हो, यानी पाठक के मन में उस ग्रंथ के प्रति रुचि का भाव उत्पन्न हो। इसीलिए जो भी कवि काव्य की रचना करता है वो सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करता है कि उसके इस ग्रंथ के पीछे उद्देश्य या प्रयोजन क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कि संस्कृत के आचार्यों का मत क्या है इस बारे में। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है, ये संस्कृत में उनकी परिभाषा है, धर्मम यश्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यम मेतदय भविष्यति। थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें क्योंकि मेरी संस्कृत बुक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोशिश कर रही हूँ मैं। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकलता है कि धर्म यश आयु हित बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान, किसी भी काव्य रचना के पीछे ये सब उद्देश्य रहते हैं। चाहे वो धर्म उसका उद्देश्य हो सकता है, यश उसका उद्देश्य हो सकता है, आयु उसका उद्देश्य हो सकता है, समाज का हित, अपनी बुद्धि का विकास या लौकिक ज्ञान भी काव्य का उद्देश्य हो सकता है। ये किसने कहा है? भरत मुनि के विचार हैं। उसके बाद आचार्य भामे क्या कहते हैं? इनकी रचना का नाम है काव्यालंकार। उसमें इन्होंने जो काव्य के प्रयोजन माने हैं, धर्मार्थ का मोक्षेशु वैचेक्षणम कलाशु च करोति कीर्ति प्रतिनंच साधु काव्य निबंधनम। क्या कहते हैं कि धर्म धन यश काम कृति और मोक्ष की प्राप्ति को ही इन्होंने क्या माना है? काव्य का प्रयोजन माना है। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है? कीर्ति है। ये काम कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन उन्होंने बताया है। उसके बाद बात करें आचार्य मम्मट की, तो इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश, और इसमें उन्होंने क्या कहा है? काव्यम यशस्यर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्रक्षते सद्य है परिनिवृत्ते कांता समित्योपदेश युजे। अर्थात यश अर्थ लोक व्यवहार कुशल ज्ञान और अनिष्ट का निवारण आत्म शांति तथा कांता सम्मित उपदेश, ये क्या है? काव्य के प्रयोजन या उद्देश्य होने चाहिए, या ये सब काव्य के उद्देश्य हैं, ये किसने माना है? आचार्य मम्मट ने स्वीकार किया है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में ज्ञान और यश की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन कहा है। रुद्रट की अगर बात करें तो इनकी काव्य की रचना करते समय कवि के समक्ष धन यश कीर्ति आदि लक्ष्य होते हैं, परंतु इनमें से यश ही सबसे बड़ा काव्य प्रयोजन है। यानी रुद्रट ने किसको महत्व दिया? यश को विशेष महत्व दिया। कुंतक क्या मानते हैं कि परम आनंद की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन कहा जा सकता है। अर्थात जिस काव्य की हम रचना कर रहे हैं उससे हमें परम आनंद प्राप्त हो, वही काव्य का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद हिंदी कवियों के मतों की अगर बात करें तो सबसे पहले नाम हम लेते हैं तुलसीदास का। देखिए, तुलसीदास ने स्वान्ते सुखाए को ही साहित्य का उद्देश्य माना है, यानी स्वयं के सुख के लिए। क्या कहते हैं? स्वान्ते सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल
मात नोती। तो ये क्या कहते हैं कि स्वयं के सुख के लिए ही इन्होंने रघुनाथ, रघुनाथ कौन है, श्री राम की गाथा को इन्होंने लिखा, यानी स्वान्ते सुखाय। कबीरदास क्या कहते हैं कि तुम जिन जान्यो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, कि तुम जिसे गीत समझते हो ये तो मेरे अपने विचार हैं, किसके प्रति, ब्रह्म के प्रति या परमात्मा के प्रति। सूरदास जी मानते हैं कि इन्हों सूरदास जी ने कृष्ण के सगुण लीला पदों का गान ही अपनी काव्य रचना का प्रयोजन माना है, अर्थात अपने कृष्ण की लीलाओं का गान करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। भिखारी दास ने यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन स्वीकार किया है। इसके बाद मैथिली शरणगुप्त की अगर बात करें तो ये राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध थे, और इन्होंने, मैथिली शरणगुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है, यानी लोगों का मनोरंजन भी हो और उसमें से सामाजिक उपदेश भी जनता को प्राप्त हो, अर्थात उनके जीवन में परिवर्तन आए, या इस प्रकार का उपदेश जो समाज के लिए लाभकारी हो वही काव्य का प्रयोजन है। डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं, इनकी दृष्टि में काव्य के दो उद्देश्य या दो प्रयोजन है, एक तो आनंद की प्राप्ति और दूसरा क्या है, लोक मंगल, इन जिसमें सापेक्षिक मूल्य आनंद का ही अधिक है, यानी विशेष महत्व किसको दिया है, आनंद को ही दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति के रूप में ही काव्य का प्रयोजन होना चाहिए, अर्थात अपने ज्ञान को विस्तृत करने के लिए काव्य की रचना की जाती है, या फिर आनंद की अनुभूति के लिए ही काव्य की रचना है की जाती है, उसका उद्देश्य यही होता है। इसके बाद महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने मानव हृदय में समाज के प्रति जो विश्वास है उसको जगाना ही काव्य का मुख्य प्रयोजन कहा है। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य का प्रयोजन आत्मानुभूति होता है, यानी स्वयं अपनी आत्मा की अनुभूति करना, आत्मानुभूति यानी स्वयं अनुभव करना, वही काव्य का उद्देश्य है। भारतेंदु हरीश्चंद्र ने आनंद की अनुभूति और लोक हित की भावना को ही प्रमुख काव्य प्रयोजन माना है। आनंद और लोक हित दो बातें यहाँ पर इन्होंने स्वीकार की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, मानव का कल्याण है, यानी मुख्य इन्होंने किसको माना है, काव्य की रचना हमें किस उद्देश्य से करनी चाहिए, मानव का कल्याण करने के लिए। पाश्चात्य चिंतकों के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि उनके मत क्या है। सबसे पहले देखें सुकरात को, तो इनके अनुसार दैवीय प्रेरणा काव्य की मूल प्रेरणा है, यानी हम काव्य का मूल उद्देश्य क्या है, जो देवताओं के द्वारा प्रेरित हुए हैं उसी को काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही उद्देश्य है। प्लेटो क्या मानते हैं, इन्होंने लोक मंगल को, यानी जनता या लोक में मंगल की कामना के को काव्य का प्रमुख उद्देश्य माना है। अरस्तु के अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं, आनंद और लोक कल्याण। मैथ्यू आर्नाल्ड की अगर बात करें तो इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही क्या है, काव्य का उद्देश्य है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृत के आचार्यों को अगर हम ध्यान में रखें तो उन्होंने यश, कीर्ति और खासकर अर्थ, अर्थात जो धन की प्राप्ति है उसको काव्य का प्रयोजन माना। उसके बाद जो हिंदी के हमने यहाँ पर विद्वानों के विचारों को शामिल किया, उनके मुख्यतः सर्वसम्मति से अगर देखें तो मुख्यतः इनके दो उद्देश्य हैं, एक तो स्वयं के सुख के लिए यानी आनंद की प्राप्ति के लिए, और दूसरा जनता के कल्याण के लिए। पाश्चात्य विचारकों में भी लोक कल्याण या लोक मंगल या आनंद, इसी बात पर इन्होंने विशेष विचार केंद्रित किया है या अपना भाव केंद्रित किया है। तो मूलतः या मुख्य रूप से अगर देखें तो काव्य का उद्देश्य क्या निश्चित है कि काव्य का उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति और लोक कल्याण का भाव ही मुख्य तौर पर निकल कर यहाँ सामने आ रहा है कि काव्य का उद्देश्य सर्वसम्मति से अगर स्वीकार किया जाए तो आनंद की प्राप्ति और लोक मंगल की कामना है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।